झांसी में अवैध रूप से बिक रही शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस को उस समय लेने के देने पड़ गए जब पुलिस की छापेमारी का कुछ महिलाओं ने विरोध कर दिया। महिला पुलिस पर गंभीर आरोप लगा उनसे युवक को छुड़ाने के लिए भिड़ गई। जानकारी के अनुसार ग्राम खदरता में राजू लोधी नाम के व्यक्ति के घर अवैध शराब रखे होने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने उक्त मकान पर छापेमारी कर लगभग 30 से 40 देसी शराब के क्वार्टर बरामद किए और एक व्यक्ति को पकड़कर थाने ले जा रही थी कि तभी घर की एक महिला ने हंगामा काटकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए और पुलिस से भिड़ गई। जब इतने पर भी पुलिस पर उक्त महिला का दबाव नहीं चला तो उसने अपने हाथ में लाठी लेकर पुलिस को डराया धमकाया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने भी अपने बचाव में सर्विस रिवॉल्वर का सहारा लिया, तब कहीं जाकर महिला पर काबू पाया जा सका और युवक को पकड़कर थाने ले जाया गया। लाचूरा के अंतर्गत आता है और वहाँ पर अवैध शराब की सूचना थी, जिस पर लाचूरा थाने की पुलिस वहाँ गई थी और कुछ उनके राजू लोधी हैं उनके घर की महिलाएं विरोध में आ गई थी, लेकिन इस तरह से कोई दुर्व्यवहार वाली बात सामने नहीं आई है और उसमें मुकदमा लिखा गया है आबकारी अधिनियम के तहत और वो व्यक्ति थाने पर गिरफ्तार होकर लाया गया था। आपको बता दें कि पुलिस ने पकड़े गए युवक का शराब अधिनियम के तहत चालान किया है।